फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में सिटी स्कैन मशीन के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन नगर विधायक ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में सिटी स्कैन की मशीन न होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मशीन की कमी को लेकर नगर विधायक मनीष असीजा ने विधानसभा में कई बार इस मामले को उठाया था। आखिरकार उनको सफलता मिली और सरकार ने 3.5 करोड़ रुपया की सिटी स्कैन मशीन लगवाने का आदेश दे दिया, जिसका शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। हैक्स न्यूज के लिए आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, ये बहुप्रतीक्षित फिरोजाबाद के ट्रॉमा के लिए जो एक सबसे आवश्यक चीज़ है सिटी स्कैन, वह मशीन के अभाव में ये ट्रॉमा अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था। वो पिछले लगातार 3-4 वर्षों से मेरे द्वारा विधानसभा में भी इस बात को उठाया जाता रहा, समय समय पर उसको तार्किक ढंग से बताया गया कि बगैर सीटी स्कैन के ट्रॉमा की जो एक सार्थकता है वो सिद्ध नहीं हो पा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत संतोष का अनुभव करता हूँ और अपने पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का और अपने चिकित्सा मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत पेंडिंग में पड़े हुए इस काम को अति शीघ्र कराया है। हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर फिरोजाबाद का जिला अस्पताल हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पतालों में हो, ऐसी हम सबके मिलजुल कर।